यूं तो राजस्थान राज्य रजवाड़ों का सूबा है, जहां तमाम इलाके हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। चित्तौड़गढ़ में है एक ऐसी जगह जहां महाबली हनुमान भी बांध दिए गए थे, जिन्हें दो बच्चों ने बांध दिया था। यहीं पतित पावन उस देवी ने धरती में समाकर बता दिया था कि नारी का सम्मान सबसे ऊपर है। आपको लिए चलते हैं सीता अभयारण्य। जहां हुआ था लवकुश का जन्म, जहां मिली सीता माता को शरण, जहां धरती में समाई थी जानकी, हम ले चलेंगे आपको उस धाम जहां बांधे गए थे महाबली हनुमान। सीता अभयारण्य। जब सीता माता पर उनकी पवित्रता को लेकर सवाल उठे तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और उस परीक्षा में वो खरी भी उतरी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस अपनी माँ के पास ही जाना उचित समझा और धरती में समा गईं सीता, जहां से वो आई थी। और इसी पल का साक्षी बना चित्तौड़गढ़, जहां सीता ने लवकुश को जन्म दिया। यहीं महाबली हनुमान को सीता के दोनों पुत्रों ने बांध कर रखा था। जहां डाकू रत्नाकर बना कवि, जहां सीता को मिली शरण, जहां लवकुश का हुआ जन्म, जहां जानकी समाई धरती में। अब जरा इस जगह को देखिए, जो कुछ अभी आपने सुना वो सब इसी जगह के बारे में ही कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक चित्तौड़गढ़ के इसी अभयारण्य में सीता माता को शरण मिली थी, यहीं लव और कुश का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि लव और कुश ने यही अश्वमेध के अश्व को रोक दिया था, और जब उस अश्व को छुड़ाने के लिए हनुमान आए थे तो दोनों बालकों ने हनुमान को भी बांध दिया था। हमारे लिए ये बड़ी पुनीत और पावन स्थली है और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। यहाँ वे सभी चिन्ह विद्यमान हैं जो भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। कहा जाता है कि इसी जगह डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बने थे, इसी जगह कवि वाल्मीकि के कोकिल कंठ से माँ सरस्वती के नुपुर के प्रथम स्वर का अभिनंदन गीत गूंजा था। अपने काव्य में वाल्मीकि ने जितने भी प्रकृति चित्रण, लताएं, वृक्ष, बल्लरियां, पशु पक्षी, पर्वत और नदियों का वर्णन किया है, सभी की प्रामाणिक छवि यहाँ देखने को मिलती है। सीता जी ने यही लव को जन्म दिया था, और जो कुश, जो घास का जो होता है जिसको कुश कहते हैं, उसके अंदर मंत्र से वाल्मीकि जी ने बालक का रूप दे दिया था। तो लव और कुश दोनों की उत्पत्ति इसी जगह से हुई है। वाल्मीकि आश्रम से कुछ ही दूर सीता बड़ी नामक प्राकृतिक उद्यान है, जहां मीलों तक फैला हुआ है। ऐसी कोई शायद ही कोई वनस्पति हो जो यहाँ नहीं मिलती हो। सीता माता का यह स्थान अत्यंत सुरम्य और सुहावना है। बड़े बड़े पत्थर एकदम काले हैं, जो देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये वही जगह है जहां धरती माँ ने अपना वक्ष चीर कर सीता माँ को भूगर्भ में समा लिया था। तभी यह भूभाग कांप उठा था, कई सरोवर फूट पड़े थे। पहाड़ को आप गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, अलग अलग है वो पहाड़। ऐसा उसको आप दोनों हिस्सों को आप ऐसे देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर समाने वाले हैं। उस स्थान के ऊपर सीता जी धरती के अंदर समाए थे, धरती वापस एक हो गई थी, इसीलिए इसका नाम सीता माता वन्य अभयारण्य दिया गया है। यहाँ जल स्रोतों के नीचे पत्थरों पर लाल रंग की परतें जमी हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता सीता यहाँ स्नान के बाद अपनी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाया करती थी। इसी विश्वास के साथ महिलाएं यहाँ जल स्रोतों में से तिकोने सिंदूर लगे पत्थर तलाशती हैं। यह भी मान्यता है कि इन पत्थरों को डालकर पीने से प्रसव पीड़ा नहीं होती। यहाँ पर वो खूबसूरत जगह भी है, यहाँ पर श्रद्धालु लवकुश की तस्वीर को झूला झुलाते हैं। मान्यता यह है कि लवकुश को झूला झुलाने से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए सैलानियों और भक्तों का तांता लगा रहता है। दीपक व्यास, सहारा न्यूज ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।